big interview for the day from the CNBC TV18 stable. It's an explosive interview. Shireen Bhan caught up with Minister of State for Finance Arjun Ram Meghwal, who says that possessing more than 10 notes in old currency could attract a jail term, which is mentioned in the ordinance. Also does not rule out any dividend from the Reserve Bank of India. डीमोनेटाइजेशन जब किया था 8 नवंबर को, तो ये एक्चुअली नोट बदली था, और अब जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें ये है कि 31 मार्च के बाद अगर आप पुराने नोट रखेंगे 10 से ज्यादा तो सजा हो सकती है। इसका मतलब से ज्यादा अगर आप नोट रखेंगे तब सजा हो सकती है। जेल टर्म भी हो सकता है। हाँ, उसमें प्रावधान है, जेल का भी प्रावधान है, क्योंकि फिर अवैध हो गई ना ये करेंसी। अभी तक अवैध नहीं थी ना, अभी तक ये करेंसी आपके घर में रखना वैध था, आपको चेंज करने का अवसर दिया था इसको, इसीलिए इसको कई बार टेक्निकल लैंग्वेज में नोट बदली हम बोलते हैं। और 30 दिसंबर तक वैसे जमा करा दें बैंकों में, और फिर प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा था कि कोई चूक गया तो एफिडेविट देकर के 31 मार्च तक आरबीआई में, अब जो जमा होगा वो आरबीआई में होगा, बैंक में नहीं होगा, इसलिए 31 मार्च के बाद क्या होगा इसके लिए ऑर्डिनेंस जरूरी था। तो आपने कहा है कि प्रावधान है जेल टर्म का भी, अगर आप 10 नोट से ज्यादा रखें जो कि लीगल टेंडर अब नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा हार्श नहीं हो गया सर किसी वजह से? क्यों रखे पुरानी करेंसी? नहीं ना, रखना चाहे तो रखे, लेकिन अगर 10 नोट बहुत है ना, अगर उसको लगे कि ऐसी करेंसी मेरे पास थी तो 10 नोट अपने आप में काफी है, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर 31 मार्च तक कोई आरबीआई पे जाके एक्सचेंज करना चाहे तो क्या उसमें भी कोई स्पेशल क्लास या कैटेगरी होगा या नो? ऐसा कुछ नहीं, वो उसको उतना एक स्पष्टीकरण देना है कि मैं ये पहले जमा कराने से चूक गया था या बार था या बीमार था, लाइक दैट, नथिंग एल्स। ये एक एक, एक आपको स्पष्टीकरण देना। तो जो प्रोमिसरी ऑब्लिगेशन है रिजर्व बैंक की सर, क्या वो 31 मार्च को खत्म हो जाती है? जी जी जी, वो 31 मार्च को खत्म हो जाती है ऑर्डिनेंस के द्वारा। यस यस, आपने ठीक कहा, बिल्कुल बिल्कुल, 31 मार्च को खत्म हो जाएगी, 31 मार्च तक उसकी अवधि है जी। सर अगर आप ये पहले जब सरकार ने कहा था कि पार्लियामेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन के द्वारा और आरबीआई एक्ट के द्वारा प्रावधान है इस प्रकार का नोटिफिकेशन लाने का, तो अब ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? देखिए, ये जो विषय जो आप छेड़ रहे हो ना, ये विषय ये है कि जब नोट हमें बिल्कुल बंद करते हैं तो ऑर्डिनेंस चाहिए, और जो नोट हम एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं, भी लीगल टेंडर नहीं रहेगा उसके लिए जरूरत नहीं है, ये दोनों में फर्क करना पड़ेगा। हमने कोई अवैध थोड़ी थी कि करेंसी अवैध है, ये तो नहीं कहा था। करेंसी है आपके पास तो आप बैंक में जमा कराई, तो उसका मतलब नोट बदली हुआ ना, ये विषय। तो आप नोट बदली की बात कर रहे हैं सर, आप आपसे पूछना चाहेंगे कि आरबीआई ने डिपॉजिट नंबर देना बंद कर दिया है, फिलहाल 12 दिसंबर के बाद से उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। हमारे सूत्रों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि 14 लाख करोड़ से ज्यादा की डिपॉजिट नंबर हो चुकी है, उस पर आप कुछ खुलासा करना चाहेंगे? देखिए, अभी खुलासा करने का समय 30 दिसंबर के बाद, और उसके बाद भी मेरे ख्याल में कुछ लोग मार्च तक जमा कराएंगे, समय है, खुलासा भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। हम कुछ भी छिपा के नहीं रखना चाहते इस देश से, हम क्या कर रहे हैं पूरा पारदर्शी सिस्टम से आपको देश को बताएंगे। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो रिकंसाइल भी हो रहे हैं, उसमें आंकड़ों को अभी उजागर करना उचित नहीं है, लेकिन आईडीएस स्कीम, उसके बाद में हमने टैक्सेशन लॉ में अमेंडमेंट करके दूसरी स्कीम लाए, उसके माध्यम से राशि आ रही है, लेकिन कितनी आई है अभी तक ये आरबीआई खुलासा करेगी, आप समय आने दीजिए, खुलासा निश्चित रूप से होगा। सर, जब डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट हुई थी तब एक आर्ग्यूमेंट जो बन रहा था कि देखिए हमने 15 लाख करोड़ रुपए डिमोनेटाइज कर दिए हैं और उसमें जो शॉर्टफॉल होगा, उम्मीद की जा रही थी कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकिंग सिस्टम में नहीं आएंगे और वो एक डिविडेंड के तौर पर आरबीआई सरकार को देगी, अब वो अपेक्षा करना छोड़ देना चाहिए? देखिए, वो जो अर्थशास्त्री उसमें बहस कर रहे थे ना, तब उनको लग रहा था शायद 2-3 लाख करोड़ जमा नहीं होंगे, पर वो तो सरकार की उम्मीद थी। नहीं, देखिए, सरकार नहीं, अर्थशास्त्री एक ऐसा सोच रहे थे, और अब जब टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट तो उसके बाद आया ना, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट आया, उसमें भी लोगों ने जमा करा रहे हैं ना पैसे, तो जमा कराने के हमने सारे साधन दिए लोगों को। तो अगर कोई आदमी अपना काला धन जिसको अनअकाउंटेड सोर्स है उसका, वो जमा करा देता है बैंक में, तो जमा कराते ही वाइट हो जाता है, ऐसा तो सिस्टम है नहीं ना, लेकिन वो सिस्टम में तो आया, ये एक पॉसिबिलिटी। वो डिविडेंड वाला एस्पेक्ट एक बार छोड़ दीजिए, तो सिस्टम में तो आया ना, डिविडेंड का एस्पेक्ट छोड़ दे, अभी अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि
रिकंसाइल नहीं हो रहे हैं फिगर्स, रिकंसाइल होने के बाद हम बताएंगे डिविडेंड भी उसमें आएगा, विषय आएगा। अभी तो अभी आप अभी क्यों कह रहे हो आप? नहीं, डिविडेंड की बात करते हुए सर, डिविडेंड अगर चाहे आप मानिए कि देना पड़े रिजर्व बैंक को, उसमें आपको आरबीआई एक्ट अमेंड करना पड़ेगा। देखिए आरबीआई में अपने आप में एक्ट में प्रावधान किया हुआ है, 26 में भी है, 27 में भी है प्रावधान है, लेकिन अभी आप फिगर को थोड़ा रिकंसाइल होने दीजिए, मेरा ये कहना है। फिगर रिकंसाइल होने के बाद इसमें हम डिसीजन लेंगे। सर आपने फार्म और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की और कहा कि जहाँ पे पेन है वहाँ पे सरकार ये पेन को कम करने की कोशिश करेगी। फार्म लोन वेवर की काफी बात चल रही है सर, क्या ये एक मुद्दा है जिस पर सरकार की विशेष टिप्पणी हुई है, फॉर्मल इनफॉर्मली बात हुई है फार्म लोन वेवर को लेकर? देखिए जो किसानों को ऋण माफी पहले भी इस देश में एक बार हुई है, इससे कोई सिस्टम सुधरा नहीं, तो किसान मजबूत बने, वो अपना लोन चुकाने में सक्षम बन सके, अगर ऐसा कोई प्रावधान हो तो शायद किसान पसंद करेंगे। तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि फार्म लोन वेवर की अपेक्षा हम किसानों को मजबूत बनाएंगे ताकि ऐसी स्थिति आए नहीं कि वो चुका नहीं सके, वो चुका सके और दोबारा लोन ले सके, ऐसी स्थिति हम देश में पैदा करना चाहते हैं। जीएसटी से भी काफी उम्मीदें थी कि शायद विंटर सेशन में पारित हो जाए बिल, लेकिन वो नहीं हुआ, अब शायद बजट सेशन की उम्मीद की जा रही है। तो 1 अप्रैल का जो टाइमलाइन है वो अब लगता है कि 1 अप्रैल नहीं हो पाएगा, सितंबर तक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम है जीएसटी को पार करने के लिए। आपको क्या लगता है कि अब 1 जुलाई पर उम्मीदें टिकानी चाहिए? देखिए अभी भी हम तो 1 अप्रैल टारगेट लेके चल रहे हैं और किसी कारण से 1 अप्रैल नहीं हुआ तो जुलाई हो जाएगा, क्योंकि एक क्वार्टर देख लेंगे जी। और उसके बाद 16 सितंबर के बाद राज्य और केंद्र दोनों ही टैक्स वसूलने का अधिकार ही खो देंगे, तो हमारे पास लास्ट डेट क्या है? 16 सितंबर। इसका मतलब 2017 इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक बड़ा पड़ाव। तो 1 जुलाई आपको लगता है कि अगर 1 अप्रैल मिस हो गया तो 1 जुलाई? यस, अभी हम 1 अप्रैल ही लेके चल रहे हैं, जून भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है, लेकिन 16 सितंबर के बाद राज्य भी मान रहे हैं, इसलिए हर राज्य जो भी अपना बजट सेशन आएगा उसमें इसको जीएसटी स्टेट जीएसटी पास करेगा, ऐसी संभावना पूरी बन रही है। All right, a quick break then.